हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं टीच करूंगा आपके लिए आज एक बहुत शानदार टॉपिक, असेसमेंट ऑफ द फर्म। हम फर्म का असेसमेंट सीखेंगे कैसे किया जाता है। तो फर्म का असेसमेंट करने से पहले हम ये डिस्कस करते हैं फर्म के ऊपर टैक्स के रेट क्या एप्लीकेबल होता है। तो जो स्पेशल रेट्स को अगर छोड़ दिया जाए, जैसे लॉन्ग टर्म पे 20% होता है, हमने 112A किया था, 1,00,000 से ऊपर 10% होता है, 111A पे आपके लिए 15% लगाया जाता है, कैजुअल इनकम पे टैक्स का रेट 30% होता है। अगर हम स्पेशल रेट्स के लिए छोड़ दें, जो फर्म की बाकी इनकम बच जाती है, जैसे कि अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बच गया, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, और मेन इनकम बिजनेस की तो होगी ही होगी, इस पे जो टैक्स का रेट लगता है वो होता है 30%। तो जो टैक्स का 30% होता है, फिर इसके ऊपर हम सरचार्ज ऐड करते हैं। अगर 1 करोड़ से ज्यादा इनकम होती है तो उस पर सरचार्ज ऐड किया जाता है। फिर एंड में हम ऐड करते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। जो टैक्स के रेट है वो मैंने पहली क्लास में आपको टीच किए थे, जो सरचार्ज वगैरह का रेट है। तो अभी हम कंसंट्रेट करते हैं कि टैक्स का जो जनरल रेट होता है वो 30% होता है। हाँ जी सर, तो इससे एक सिचुएशन क्रिएट हो गई। सपोज करते हैं एक पार्टनरशिप फर्म है, और पार्टनरशिप फर्म ने जो प्रॉफिट को अर्न किया, जो उसका टैक्सेबल प्रॉफिट निकल के आया बिजनेस का, वो सपोज करते हैं निकल के आया 6,00,000 रुपीज। तो हम फर्म से कहते हैं कि आप इस पर टैक्स पे करो, जो 6,00,000 रुपीज पर टैक्स होगा, और फर्म टैक्स निकालती है एट द रेट ऑफ 30% एंड इट कम्स 1,80,000। हालांकि अभी इसके अंदर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करेंगे, लेकिन हम 6,00,000 के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो हमें लॉजिक क्लियर आ जाएगा, वो तो मैथमेटिकल पोर्शन होंगे। अब फर्म को 6,00,000 रुपए पर टैक्स पे करना पड़ेगा 1,80,000 रुपए। तो पार्टनरशिप फर्म ने क्या किया, अपने जो पार्टनर्स थे उनके लिए रेमुनरेशन दिया। सपोज करते हैं दो पार्टनर्स थे एक्स एंड वाई, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 1:1। तो इन्होंने कहा कि एक्स को हम रेमुनरेशन देंगे 3,00,000 रुपए का, और वाई को हम रेमुनरेशन देंगे 3,00,000 रुपए का। तो सिचुएशन क्या हो जाएगी, रेमुनरेशन 2x 3,00,000 रुपीज, और रेमुनरेशन 2y 3,00,000 रुपीज। तो जो 6,00,000 का प्रॉफिट था, इसमें से अभी रेमुनरेशन नहीं दिया गया था, लेकिन इन दोनों को रेमुनरेशन देने के बाद सिचुएशन क्या हो जाएगी, जो फर्म का प्रॉफिट होगा वो जीरो हो जाएगा। अब फर्म का प्रॉफिट जीरो होने से फर्म का टैक्स भी जीरो हो जाएगा, लेकिन सर पार्टनर्स की इनकम तो क्रिएट हो जाएगी। तो ठीक है, हम एक्स का टैक्स निकाल लेते हैं, एक्स कितना टैक्स पे करेगा, लेकिन अब तो ये इनकम इंडिविजुअल की हो गई, अब तो इस पे स्लैब लगाओगे। अब 3,00,000 रुपए पे स्लैब लगाओगे तो 2,50,000 रुपए माइनस करोगे, फिर जो बच जाएगा 5,00,000, उसका 5% दैट इज 2,500, 87A की रिबेट दे दोगे 2,500 रुपए की, इसका टैक्स भी जीरो हो जाएगा। सर वाई का टैक्स निकाल लेते हैं तो वाई का भी जीरो हो जाएगा। तो जो फर्म को 1,80,000 रुपए टैक्स पे करना पड़ता, उसकी जगह उन्होंने एक्स और वाई को रेमुनरेशन दे दिया, और बिल्कुल देना पॉसिबल है। एक पर्सन दूसरे के लिए रेमुनरेशन इजीली दे सकता है। अब यहां पे फर्म एक पर्सन है और मिस्टर एक्स मिस्टर वाई अलग पर्सन है, उनकी हैसियत इंडिविजुअल्स की है। अगर आप इंडिविजुअल का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते और जो सोल प्रोप्राइटर होता उसने खुद ही के लिए रेमुनरेशन या सैलरी दे रखी होती, तो उसको हम ऐड बैक कर देते, क्योंकि एक ही आदमी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों का रोल प्ले नहीं कर सकता है। सैलरी टू हिमसेल्फ वाज नॉट अलाउड, बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म जो भी पे करने वाला है वो तो है पार्टनरशिप फर्म, और जो रिसीव करने वाला है वो है आपके लिए पार्टनर्स। तो यहां पे दो डिफरेंट पर्सन हो गए, तो रेमुनरेशन, फिर चाहे उसको सैलरी बोलो, फिर चाहे उसको कोई और नाम से बोलो, वो डेफिनेटली अलाउ होना चाहिए। अब अगर आप अलाउ करोगे तो वो इस तरीके से मैनिपुलेशन करेंगे, जितना भी प्रॉफिट होगा उसको 50-50 या जो भी रेशियो डिसाइडेड होगा पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इस तरीके से उनकी इंडिविजुअल इनकम बढ़ेगी और वो बार बार स्लैब का बेनिफिट लेंगे, और फर्म की जो 30% वाली इनकम है वो कम होती चली जाएगी। मैं एक दूसरे एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं तो आपको मेरी बात शायद ज्यादा समझ में आएगी। मैं यहां पे एक दूसरा एग्जाम्पल लिखता हूं। सपोज करते हैं फर्म का जो प्रॉफिट था वो और ज्यादा कर देते हैं, 10,00,000 रुपए कर देते हैं, तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब फर्म के हिसाब से 10,00,000 से कितना टैक्स बनता है, 30% के रेट से 3,00,000 रुपए टैक्स बनता है। अब इन्होंने क्या किया, रेमुनरेशन दे दिया, रेमुनरेशन किसको दे दिया, एक्स के लिए, और 5,00,000 रुपए रेमुनरेशन दे दिया।
और वाई के लिए कितना रेमुनरेशन दे दिया, 5 लाख रुपए। अब सिचुएशन क्या हो जाएगी, अगर फर्म के रेस्पेक्ट में बात करें तो फर्म का प्रॉफिट जीरो हो जाएगा और फर्म का टैक्स भी जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर हम टैक्स लायबिलिटी ऑफ एक्स निकालते हैं तो कितना निकल के आएगा, 5 लाख पर टैक्स 12,500, रिबेट का बेनिफिट अब नहीं मिलेगा, और वाई का टैक्स कितना निकल के आएगा, 12,500। सर देखो एक्स और वाई को टैक्स पे करना पड़ा, लेकिन जो टैक्स ने 3 लाख रुपए एज ए पार्टनरशिप फर्म टैक्स पे करना पड़ता उसकी जगह केवल 25,000 रुपए टैक्स पे किए गए। आप समझो केवल 25,000 रुपए टैक्स पे किए गए, जो 3 लाख रुपए था इन्होंने सारा रेमुनरेशन अपने आपस में बांट लिया और फर्म का जो प्रॉफिट था उसके लिए जीरो कर दिया। और अगर इनको ये भी बचाना है तो और लोगों को भी ये पार्टनर बनाना जो इनके जान पहचान के, इस तरीके से और भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट, दो लोगों को और पार्टनर बना लें तो एक्स वाई जेड ए 4 पार्टनर्स हो गए, सबका रेमुनरेशन 2.5 लाख 2.5 लाख रुपए, अब सबके हाथ में टैक्स जीरो हो गया। इस तरीके से तो ये बार बार स्लैब का बेनिफिट लेंगे और फर्म की इनकम जीरो करते चले जाएंगे और टैक्स बचा पाएंगे। तो जो टैक्स 30% होता है इसको रोकने के लिए, इसको इवेट करने के लिए बहुत सारे मैन्युपुलेशंस किए जाते हैं, उसमें से एक सबसे पॉपुलर मैन्युपुलेशन ये हुआ करता था। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा भाई साहब ऐसा है, हम आपके लिए रेमुनरेशन अलाउ तो करेंगे लेकिन एक लिमिट में अलाउ करेंगे, उस लिमिट से ज्यादा का अलाउ नहीं किया जाएगा। ये बात आपकी जस्टिफाइड है कि पार्टनर से पार्टनरशिप हम के लिए रेमुनरेशन मिल सकता है, दो डिफरेंट पर्सन हैं, एक पेयर हो गया एक पेई हो गया, क्या दिक्कत है। इंडिविजुअल के केस में अगर हम सैलरी टू हिमसेल्फ या रेमुनरेशन टू हिमसेल्फ होता था उसको डिसअलाउ कर देते थे, क्योंकि पेयर और पेई एक आदमी कैसे हो सकता है। लेकिन यहां तो डिफरेंट पर्सन से हम डेफिनेटली अलाउ करेंगे, लेकिन टैक्स बचाने की जो कोशिश की जा रही है उसको रोकने के लिए हम इतना करेंगे कि जो भी आप रेमुनरेशन पार्टनर्स के लिए दोगे उस पर हम एक लिमिट लगा देंगे और लिमिट से ज्यादा का आपके लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो जो मैंने आपसे कहा। तो इस बात को मैं इस तरीके से समझाता हूं कि अगर 10 लाख रुपए में एक लिमिट लगा दी जाए तो उतना ही रेमुनरेशन दिया जाएगा और जो बैलेंस बच जाएगा उस पर पार्टनरशिप फर्म के लिए 30% से टैक्स पे करना ही पड़ेगा। सर वो लिमिट क्या होती है वो थोड़ी देर में बताऊंगा, उसी चीज को तो मैं टीच करना चाहता हूं। लेकिन मैं एक बात आपको और भी बताता हूं, केवल रेमुनरेशन की हेल्प से ही टैक्स नहीं बचता है, एक डिफरेंट तरीके से टैक्स और भी बच सकता है। तीसरा एग्जाम्पल सपोज करते हैं प्रॉफिट 6 लाख रुपए ही था, मैं पहला वाला एग्जाम्पल ले लेता हूं, और दो पार्टनर है एक्स एंड वाई, एक्स ने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करी थी वो 10 लाख रुपए से करी थी और वाई ने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करी थी वो 10 लाख रुपए करी थी। अब ये कहते हैं ठीक है आप रेमुनरेशन पे तो लिमिट लगाओगे लेकिन फर्म से हम इंटरेस्ट लेंगे, इंटरेस्ट टू एक्स इंटरेस्ट टू वाई, बिल्कुल ठीक बात है। इन केस ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू हिमसेल्फ वाज डिसअलाउड, क्योंकि मनी लेंडर और मनी बोरोवर एक ही आदमी नहीं हो सकते हैं, लेकिन यहां पे दो डिफरेंट पर्सन हैं, जो पैसा उधार दे रहा है इसने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी वो इंडिविजुअल है, और जिसको पैसा दिया गया दैट पर्सन इज पार्टनरशिप फर्म, डेफिनेटली जो पार्टनर है उनके लिए इंटरेस्ट अलाउ होना चाहिए। तो सर इसमें डिफिकल्टी क्या है, वो पार्टनरशिप डीड में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सपोज इस केस में लिख लेते हैं 3-3 लाख लेंगे 30% के रेट से। अब 10 लाख का 30% एक्स को मिल जाएगा 3 लाख रुपए और वाई को मिल जाएगा 3 लाख रुपए, यहां जीरो हो गया, तो फर्म का टैक्स कितना निकल के आ गया, जीरो। सर एक्स की इनकम कितनी हो गई, 3 लाख रुपए, हम ये मान रहे हैं इनकी किसी और हेड से इनकम नहीं है। वाई की इनकम कितनी हो गई, 3 लाख रुपए, सर इस पर टैक्स निकाल देते हैं जीरो, यहां टैक्स निकाल देते हैं जीरो। अगर सपोज करते हैं इंटरेस्ट का अमाउंट ज्यादा भी होगा तो स्लैब का बेनिफिट तो लेंगे ना, फर्म तो स्टार्टिंग से ही 30% लगा रहा है, लेकिन जो पार्टनर्स होंगे पहले वो 2.5 लाख तक 0% एंजॉय करेंगे, फिर अगले 2.5 लाख पे 5% एंजॉय करेंगे, फिर अगले 5 लाख पे 20% एंजॉय करेंगे, उसके बाद 30% में जाके पहुंचेंगे। लेकिन 10 लाख तक का जो इनकम दोनों के हाथ में गई उस पर तो टैक्स का कम रेट हो गया ना 30% से कंपेरिजन किया जाए तो। तो जब रेमुनरेशन पे आप लिमिटेशन लगाओगे तो वो इंटरेस्ट का रेट इंक्रीज करने लगेंगे और वहां पे टैक्स बचाने की कोशिश करेंगे। और पार्टनर्स को पार्टनरशिप हमसे यही दो अमाउंट मिल सकते हैं, जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करी या जो लोन दिया उस पे इंटरेस्ट, और एक काम करते हैं फर्म के लिए उस पे रेमुनरेशन।
तो केवल जो लिमिट लगाई गई वो केवल रेमुनरेशन पे लिमिट नहीं लगाई गई, वो लिमिट जो लगाई गई वो इंटरेस्ट पे भी लिमिट लगाई गई, दोनों पे लिमिट लगाई गई। वो कहते हैं देखो हम रोक तो सकते नहीं हैं, आपको डेफिनेटली रेमुनरेशन भी मिलना चाहिए और इंटरेस्ट भी मिलना चाहिए, लेकिन वो एक लिमिट से ज्यादा का आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो अब किस तरीके से पार्टनरशिप फर्म का असेसमेंट किया जाएगा, पहले तो प्रॉफिट एच पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख लो, हाँ जी सर। अब इसके बाद जितने भी एडजस्टमेंट्स आपको टीच किए गए थे, एडजस्टमेंट्स अंडर सेक्शन 3243, जितने भी एडजस्टमेंट्स आपको टीच किए गए थे, पहले आप उन सारे एडजस्टमेंट्स को कर दो। सेक्शन 30 से शुरू करो, जो बिल्डिंग के रेस्पेक्ट में इंश्योरेंस प्रीमियम होता है, रिपेयर्स होता है, रेंट होता है, रेट्स होते हैं, टैक्सेस होते हैं। 31 में प्लांट और मशीनरी का देखो, 32 में डेप्रिशिएशन देखो, एडिशनल डेप्रिशिएशन देखो, 32 एडी में देखो आप जो इन्वेस्टमेंट अलाउंस होता है, 35 में साइंटिफिक रिसर्च देखो, 36 में अदर डिडक्शंस देखो, 37 में जनरल डिडक्शंस देखो, 40 से लेकर 43 तक डिडक्शंस नॉन डिडक्टेबल के लिए देखो, उनको एड बैक करो। जैसा आपको पीजीपीपी टीच किया गया है वो सारे के सारे एडजस्टमेंट्स कर दो, लेकिन अभी इंटरेस्ट को कुछ भी मत करना और रेमुनरेशन को कुछ भी मत करना। अगर वो माइनस किए गए हैं तो उनको अभी माइनस रहने दो, उनको भूल जाओ, उनको ये अज्यूम कर लो कि ये तो डिडक्टेबल थे इसलिए डिडक्टेबल रहेंगे, बाकी पैरा पूरा पीजीपीपी के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। जो इनकम पार्टनरशिप फर्म की है और क्रेडिट नहीं की गई है उसको ऐड कर दो, जो इनकम किसी और हेड की है क्रेडिट कर दी गई है उसको हटा दो। इसके बाद जो निकलकर आएगा टोटल, अब इसमें अभी हमें दो एडजस्टमेंट्स और करने हैं, पार्टनर्स के लिए रेमुनरेशन भी दे रखा होगा और इंटरेस्ट भी दे रखा होगा, और वो हो सकता है लिमिट से ज्यादा का दे रखा हो। तो लिमिट में लाने के लिए पहले उनके इफेक्ट को खत्म करना पड़ेगा, तो हम पहले ऐड कर देंगे रेमुनरेशन टू पार्टनर्स। जो भी एक्स वाई जेड जितने भी पार्टनर्स होंगे उनके लिए ऐड कर दिया जाएगा, और फिर हम ऐड कर देंगे इंटरेस्ट टू पार्टनर्स। और इंटरेस्ट टू पार्टनर्स के लिए ऐड कर दिया जाएगा। सर आपने कहा लिमिट में अलाउ होना चाहिए, तो पहले जो आउट ऑफ लिमिट दिया गया है उसको तो ऐड करो, उसी के बाद तो जो लिमिट में दिया गया वो अलाउ करेंगे। तो अब यहां पे एक टोटल और निकल के आ गया। अब हमें फाइनली इनको जो सही वाला लिमिट वाला रेमुनरेशन और इंटरेस्ट होगा वो हमें अलाउ करना पड़ेगा। हाँ जी सर, हमें बिल्कुल समझ में आ गया। पहले तो हम इसको इग्नोर करके नॉर्मल पीजीबीपी की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद सर जो रेमुनरेशन और इंटरेस्ट दे रखा होगा वो अगर आउट ऑफ लिमिट है, वो उस लिमिट से ज्यादा का है जो प्रिस्क्राइब्ड है, तो हम एड बैक कर देंगे उसके लिए। अब जो सही लिमिट वाला है सर वो माइनस किया जाएगा। तो सबसे पहले माइनस करेंगे इंटरेस्ट टू पार्टनर्स। और अब जो माइनस किया जाता है वो सेक्शन 40 बी में माइनस किया जाता है। ये सेक्शन है और ये याद करना जरूरी है, 40 बी इसके अंदर माइनस किया जाएगा। इसके अंदर वो सही लिमिट दे रखी है जो माइनस किया जाएगा। और सर वो लिमिट कितनी दे रखी है, पहले इंटरेस्ट ही करना, पहले रेमुनरेशन नहीं कर सकते हैं सर। क्यों, अभी थोड़ी देर में सिखाऊंगा। तो सर यहां कितना माइनस करेंगे, तो लिखा हुआ है एच पर डीड और एट द रेट ऑफ 12% विच एवर इज लोअर। इन दोनों में जो भी कम होगा वो माइनस कर देंगे। एच पर डीड का मतलब हो गया जो पार्टनरशिप अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको दे ही रखा होगा, और 12% इन दोनों में जो लोअर होगा वो माइनस कर दिया जाए। अब इसका एक मतलब हो गया कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होगे और उसमें आप देखते हो कि माइनस कर रखा है 12% या उससे कम, तो ना ऐड करना ना माइनस करना,
क्योंकि अगर 12% या उससे कम माइनस कर रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, तो हमें क्वेश्चन देख के ही समझ में आ गया कि विद इन लिमिट है। हम ऐड करें माइनस करें ये खेल हो जाएगा, तो ना तो हम ऐड करेंगे ना हम माइनस करेंगे। लेकिन अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें दिखाई देता है 12% से ज्यादा माइनस किया, सपोज करते हैं 15%, हमारे पास दो अल्टरनेट होंगे। एक तो हम 15% को ऐड कर देंगे और 12% को माइनस कर देंगे। आप शॉर्टकट भी लगा सकते हो, 3% को ऐड बैक कर सकते हो। 15% माइनस है, केवल 3% के लिए डिसअलाउ करना है, उसके बाद 12% अलाउ रह जाएगा, तो 3% को आप ऐड बैक कर सकते हो। यह आपकी मैथमेटिक्स पर डिपेंड करता है कि कौन सा तरीका आपको सही लगता है। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया? हां जी सर। तो सर अब हमें रेम्यूनरेशन माइनस करना और सिखा दो, लेकिन रेम्यूनरेशन माइनस करने से पहले जो निकल के आता है उस अमाउंट को कहा जाता है बुक प्रॉफिट। ये बुक प्रॉफिट, इसको अच्छे तरीके से याद कर लो, एग्जाम में कई बार तो केवल बुक प्रॉफिट निकालने के लिए ही आ जाता है। अब यहां से हम माइनस करेंगे रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, और इसका भी सेक्शन 40 क्लॉज बी होता है। दोनों ये सेक्शन याद करना जरूरी है, 40 बी, इसमें रेम्यूनरेशन का भी अमाउंट दे रखा है और इंटरेस्ट का अमाउंट भी दे रखा है कितना माइनस किया जाएगा। तो सर इसमें कितना दे रखा है 40 बी के अंदर रेम्यूनरेशन, वो मैं यहीं पे लिख देता हूं। एक स्लैब है उसके हिसाब से निकाला जाता है, वो स्लैब में यहीं लिख देता हूं। वो कहते हैं पहले यहां पे देखो बुक प्रॉफिट आपका कितना है, और फिर यहां पे लिखा गया लिमिट रेम्यूनरेशन की। अगर बुक प्रॉफिट 3 लाख रुपीस तक है तो वो कहते हैं रेम्यूनरेशन हो जाएगा 1,50,000 और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट विच एवर इज मोर। वो कहते हैं 90% तक हम अलाउ करने को तैयार हैं, तो अगर एग्जैक्टली 3 लाख हो गया तो 1.5 लाख और 3 लाख का 90% 2,70,000, 2,70 तक अलाउ कर देंगे और फर्म की इनकम बच जाएगी 30,000 रुपए। लेकिन 1 लाख रुपए केवल बुक प्रॉफिट है तो 270 अलाउ नहीं करेंगे, तो 1.5 लाख रुपए भले ही लॉस आ जाए। अगर 2 लाख रुपए है तो 2 लाख का 90% हो गया 1,80,000 और 1.5 लाख लोअर क्या हो गया, सॉरी हायर क्या हो गया, 1,80,000, तो 1,80 अलाउ कर देंगे और 20,000 बच जाएगा। वो अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आएगा। और अगर सर मोर देन 3 लाख है तो 2,70,000 तो अलाउ हो ही जाएगा। हाँ जी सर बिल्कुल ठीक, क्योंकि 3 लाख रुपए तक का जो होगा 90% 270 वो तो अलाउ हो ही जाएगा, प्लस 60% ऑफ द अमाउंट बाय विच बुक प्रॉफिट एक्सीड्स ₹3 लाख। 270 और 3 लाख से ऊपर का जो भी बुक प्रॉफिट होगा उसका 60% ये अलाउ किया जाएगा, लेकिन यहां लिखा हुआ है और एच पर डीड विच एवर इज लोअर। ये 40 बी के अकॉर्डिंग रेम्यूनरेशन निकालने का तरीका है। पहले बुक प्रॉफिट के अकॉर्डिंग आप रेम्यूनरेशन निकाल लो, फिर एच पर डीड जो पार्टनरशिप हमने माइनस कर रखा था और जिसको एक्चुअली हमने ऐड किया था। तो सर इंटरेस्ट वाला शॉर्टकट यहां भी लग सकता है क्या, कि हम देख लें जो माइनस किया गया था वो लिमिट में था तो ना ऐड करेंगे ना माइनस करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। जब तक ऐड नहीं कर दोगे, इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट नहीं कर दोगे, तब तक बुक प्रॉफिट निकल के नहीं आएगा। जब तक बुक प्रॉफिट निकल के नहीं आएगा तब तक इस स्लैब के अकॉर्डिंग आप सही वाला रेम्यूनरेशन नहीं निकाल पाओगे। तो इंटरेस्ट में तो शॉर्टकट पॉसिबल है कि अगर 12% से कम माइनस है या 12% तक माइनस है तो ना ऐड करो ना माइनस करो, लेकिन रेम्यूनरेशन के केस में ऐड करना ही पड़ेगा। फिर बुक प्रॉफिट निकालेंगे, फिर इस लिमिट के हिसाब से निकालेंगे, फिर जो माइनस किया गया था उससे कंपैरिजन करेंगे और जो भी लोअर निकल के आएगा वो डिडक्टेबल हो जाएगा, उसको माइनस किया जाएगा। लेकिन एक बात मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको बता दूं, जो रेम्यूनरेशन है
वो केवल वर्किंग पार्टनर्स के लिए अलाउ किया जाएगा, वर्किंग पार्टनर्स के लिए। इंटरेस्ट दोनों के लिए अलाउ हो सकता है, क्योंकि इंटरेस्ट तो जो आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया या जो लोन दिया उस पर आपके लिए मिल रहा है, लेकिन रेमुनरेशन तो हम ये मानते हैं आप काम करते हो, वर्क करते हो, उसके अगेंस्ट दिया जाता है। तो रेमुनरेशन केवल वर्किंग पार्टनर के लिए मिलेगा। अगर कोई नॉट वर्किंग पार्टनर है, उसके लिए इनएक्टिव पार्टनर है, पैसिव पार्टनर है, उसके लिए बीजीपीपी के अंदर रेमुनरेशन अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। और ये एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो आपका प्रॉफिट बच जाएगा उसको कहा जाएगा पीजीबीपी की इनकम, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है सर। अब देखो, पार्टनरशिप फर्म की किसी और हेड से इनकम है, क्या हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है? क्योंकि पीजीबीपी की निकालते समय तो रिमूव कर दिया होगा, तो देखो क्या हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है। अगर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम दे रखी है तो ऐड कर दो। फिर देखो डिफरेंट हेड्स में क्या कैपिटल गेन के अंदर इनकम है। कैपिटल गेन में शॉर्ट टर्म अलग लिखना, लॉन्ग टर्म 112 अलग लिखना, 112A अलग लिखना। इसके बाद देखना क्या अदर सोर्सेज की इनकम है। अदर सोर्सेज में भी कैजुअल इनकम को अलग लिखा जाता है, क्योंकि 30% वो आप देख लोगे और फिर लिख दोगे ये आ गई आपकी जीटीआई। फर्म की सैलरी की इनकम नहीं होती है, तो पीजीबीपी के बाद डिफरेंट हेड्स की इनकम को निकाल के ऐड कर देंगे और फिर यहां से माइनस करेंगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन चैप्टर 6A। तो जो जो डिडक्शंस फर्म के लिए मिल सकती हैं याद करो, कौन कौन सी मिल सकती हैं। 80C इंडिविजुअल HUF नहीं मिल सकती है, 80D नहीं मिल सकती है क्योंकि इंडिविजुअल HUF के लिए थी, DD नहीं मिल सकती है रेसिडेंट इंडिविजुअल रेसिडेंट HUF के लिए थी, 80EB नहीं मिल सकती है, 80G हाँ सर डोनेशन वाली किसी भी असेसी के लिए होती है सर, 80G वाली मिल सकती है। इसी तरीके से आपको याद होगा 80GGC डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी वाली डिडक्शन मिल सकती है, GGC वाली मिल सकती है। तो इसी तरीके से आपको यह देखना पड़ेगा 80IA टू 80IE की जो डिडक्शंस होती हैं वो मिल सकती हैं, लेकिन दो जो मेन डिडक्शंस होती हैं वो मैंने यहां पे साइड में लिख दी। मुझे यहां लिखना चाहिए था 80G और 80GG को खास तौर से कर लेना। इंटर में आपने करी थी एक तो डोनेशन वाली और एक डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी वाली, ये दोनों डिडक्शंस तो मिलेंगी क्योंकि इनमें NESSC लिखा था। पॉलिटिकल पार्टी अगर कंपनी करती है डोनेट तो GGB में होता है, लेकिन कंपनी के अलावा कोई और एसएससी होता है तो डिडक्शन 80GGC में दिया जाता है। फिर 80IA, 80IB, 80IC की भी मिलती हैं, लेकिन उनको हम बाद में देखेंगे, लेकिन इन दो को तो हम दे ही सकते हैं। इसको कहा जाएगा टोटल इनकम। टोटल इनकम निकालना सीख गए। अब जो रेमुनरेशन और इंटरेस्ट माइनस किया गया वो एक लिमिट के अंदर माइनस किया गया। इंटरेस्ट 12% तक की लिमिट में माइनस है, जो आपका रेमुनरेशन है जो स्लैब के हिसाब से या डीड में लोअर था उसके हिसाब से माइनस है। हाँ जी सर, बिल्कुल हमें समझ में आ गया सर। अब टोटल इनकम पर टैक्स निकालना भी सिखा दो, वो तो आपको पहले ही आता है। लॉन्ग टर्म को अलग कर लो, लॉन्ग टर्म 112A को अलग कर लो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A को अलग कर लो, कैजुअल इनकम को अलग कर लो, जो बच जाएगा उसको कह दिया जाएगा बैलेंस इनकम। लॉन्ग टर्म पे आप 20% वाला लगा दो, अगर आपके लिए इक्विटी शेयर्स वाला है तो 1,00,000 के ऊपर 10% लगा दो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला है तो उस पर 15% लगा दो, कैजुअल इनकम का आपको पता ही है 30% लगा दो। हाँ, जो बैलेंस इनकम आखिर में बच जाएगी उस पर 30% लगेगा और मेन वही इनकम होगी, पीजीबीपी की इनकम तो सारी उसी के अंदर जानी है। फिर ऐड करो, फिर चेक करो सरचार्ज लगेगा या नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो इग्नोर कर दो, लगता है तो सरचार्ज लगाओ। जब सरचार्ज लगाओ तो हमेशा मार्जिनल रिलीफ भी चेक कर लेना, जो स्टार्टिंग में आपको टीच किया था। और फाइनली ऐड कर देना हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4% और आपकी टैक्स लाइबिलिटी निकल के आ जाएगी। दैट इज वेरी वेरी इजी। तो ये तरीका होता है पीजीबीपी के इनकम के असेसमेंट का। आपको पांचों हेड की इनकम, बल्कि चारों हेड की, क्योंकि सैलरी हेड पॉसिबल नहीं होगा,
पार्टनरशिप हम के केस में निकालना आनी चाहिए। तो मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ेगा। मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं पार्टनरशिप फर्म का, तो आपको कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। देखो ये क्वेश्चन है पार्टनरशिप फर्म का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एक्स कंपनी ए फर्म ऑफ एक्स वाई एंड जेड विच सेटिस्फाइज ऑल द कंडीशंस ऑफ 184 एंड 40 बी। हम जरूर डिस्कस करेंगे थोड़ी देर के बाद, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में अगर पार्टनरशिप हम के तरीके से असेस करना है और पार्टनर्स को रेमुनरेशन इंटरेस्ट अलाउ करना है, तो ये दोनों सेक्शंस की कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, थोड़ी देर में देखेंगे। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 इज एज फॉलोज, और वो कितनी है, इनकम साइड में सेल 1,06,00,000 रुपीज की दे रखी, 60,00,000 की दे रखी है, 1,06,00,000 दे रखी है। रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी हाफ पोर्शन 50,000, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 60,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 87,90,000, रेमुनरेशन टू पार्टनर्स एक्स वाई जेड 6,09,55,000, इनकम टैक्स 8,000, इंटरेस्ट टू पार्टनर्स एट द रेट ऑफ 13.5%, एक्स का 40, वाई का 10, जेड का 60,000, म्युनिसिपल टैक्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एंटर प्रॉपर्टी का दे रखा है 5,000, अदर एक्सपेंसिस 2,10,000, नेट प्रॉफिट 32,000, जो बैलेंस आएगा उसकी तो जरूरत ही नहीं है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ अदर एक्सपेंसिस 48,500 इज नॉन डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 36, 37 एंड 43 बी। डायरेक्टली बता दिया पीजीबीपी के बहुत सारे सेक्शन के हिसाब से 48,500 माइनस नहीं होगा। On 15th Jan 2019, the firm pays an outstanding sales tax liability of 2,922 of the previous year 16-17. As this amount pertains to previous year 15-16, यहाँ 16-17 होना चाहिए, it has not been debited to the aforesaid account. Z is not a working partner. The firm owns a house. The ground floor is used for business purposes. The first floor is given on rent. Municipal taxes paid on 10th May 2019. Compute taxable income of the firm and tax treatment of the payment to the partners in their hand. बहुत शानदार क्वेश्चन है, करने में आपको मजा आएगा। तो सर कहां से शुरू करेंगे? सर वहीं से करते हैं, नेट प्रॉफिट से। तो नेट प्रॉफिट एच पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो दे रखा है 32,000। अब यहां प्लस वाले आइटम्स लिखते चले जाएंगे और यहां कर देंगे माइनस वाले आइटम्स। ठीक है सर, सर एडजस्टमेंट से शुरू करते हैं। आउट ऑफ अदर एक्सपेंसेस 48,500 नॉन डिडक्टेबल और डिफरेंट सेक्शंस में, तो एक्सपेंसेस Not deductible under section 36, 37 and 43B. और ये ऑलरेडी कितना दे रखा है मैं डायरेक्टली 48,500। सर बिल्कुल ठीक, ये अदर एक्सपेंसेस के बारे में इंफॉर्मेशन थी। On 15th Jan 2019, the firm pays an outstanding sales tax liability of 2,922 of the previous year 16-17. As this amount pertains to previous year 16-17, it has not been debited to the aforesaid account. याद करो 43B में आपको क्या टीच किया था, कुछ एक्सपेंडिचर्स ऐसे होते हैं जिनका डिडक्शन पेमेंट बेसिस पे ही मिलता है, और उसमें लिखा हुआ था एनी टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। आप सरकार को कोई भी टैक्स पे कर रहे हो, उसका डिडक्शन केवल और केवल आपको पेमेंट बेसिस पे ही दिया जाएगा, और पे करने की लास्ट डेट क्या बताई थी, टिल द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1। तो ये जो आपका 16-17 का था, ये फर्स्ट 15 जनवरी 2019 को पे किया गया, इसका मतलब 16-17 में माइनस नहीं किया गया होगा, क्योंकि 16-17 में माइनस करना था तो असेसमेंट ईयर 17-18 में जो 139(1) की डेट थी उस डेट तक माइनस करना था, उस डेट तक माइनस नहीं किया गया होगा तो 43B के अकॉर्डिंग उस ईयर में डिसअलाउ कर दिया गया होगा। और अगर उस ईयर में डिसअलाउ हो गया तो अब कब माइनस होगा, जिस ईयर में आप एक्चुअली पे करोगे उस ईयर में माइनस होगा, और एक्चुअली में कब पे कर रहा है, 18-19 में। तो अब इनकम टैक्स के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग माइनस होना चाहिए, तो मैंने लिखा सेल्स टैक्स लायबिलिटी ऑफ 16-17, और वो कितनी दे रखी है 2,922।
समझ में आ गया सर, डेफिनेटली। और सर किस सेक्शन में माइनस कर रहे हैं? 43B। इसके बाद लिखा हुआ है जेड इज नॉट ए वर्किंग पार्टनर। सर इसको हमने दिमाग में डाल लिया, जब भी हम रेम्यूनरेशन अलाउ करेंगे तो जेड को अलाउ नहीं करेंगे। द फर्म ओन्स ए हाउस, द ग्राउंड फ्लोर इज यूज फॉर बिजनेस पर्पजेज एंड द फर्स्ट फ्लोर इज गिवन ऑन रेंट। उसके पास घर है, नीचे वाले पोर्शन में वो बिजनेस चलाता है, ऊपर वाले को रेंट पे दे रखा है उसने। हम देखते हैं कोई इससे जुड़े कौन कौन से दे रखे हैं। एक तो सर म्यूनिसिपल टैक्सेस और एक सर रेंट। सर आधा घर लेट आउट है तो आधे घर का ही रेंट मिलेगा, लेकिन सर इसने रेंट यहां क्यों डाल दिया? रेंट तो जाना चाहिए सर हाउस प्रॉपर्टी में, तो रेंट को माइनस कर देते हैं। डरने वाली क्या बात है। और आधे घर का कितना रेंट दे रखा है? 50,000। ये क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है तो पीजीबीपी से इसको रिमूव करना पड़ेगा। सर म्यूनिसिपल टैक्स भी उसने गलती किया, पूरे घर का माइनस कर दिया सर 5,000, लेकिन सर केवल 2,500 रुपए माइनस होना चाहिए था। जो घर बिजनेस के लिए यूज हो रहा है, जो लेट आउट था उसका म्यूनिसिपल टैक्स तो हाउस प्रॉपर्टी में माइनस होना चाहिए, तो 2,500 रुपए को एड बैक कर देते हैं क्योंकि 2,500 रुपए उसने ज्यादा माइनस कर रखे हैं। तो म्यूनिसिपल टैक्सेस लेट आउट पोर्शन का जो आपका था उसको ऐड कर देते हैं 2,500। ठीक है सर, डेफिनेटली समझ में आ गया सर। इसके बाद म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड ऑन 10th May 2019। अब म्यूनिसिपल टैक्स पे किए गए हैं 10 मई 2019 को, जो हमने ऐड बैक कर दिए 2,500 रुपए जो हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है उसको तो हाउस प्रॉपर्टी में देखेंगे। पहले पीजीबीपी में जो 2,500 रुपए माइनस रह गए, टोटल 5,000 माइनस थे, 2,500 रुपए हमने एड बैक कर दिए, तो अभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितने माइनस है? 2,500। अब उसके बारे में देखते हैं क्या 10th May 2019 में पे करने से कोई इफेक्ट पड़ेगा। सर 43B ये कहता है कि कोई भी टैक्स होगा वो हम तभी माइनस करेंगे जब 139(1) की डेट तक पे कर दिया जाएगा। और सर इस क्वेश्चन में 139(1) की डेट दे नहीं रखी है, क्योंकि सर 31 जुलाई भी पॉसिबल है और 30 सितंबर भी, डिपेंड करेगा फर्म्स के अकाउंट्स ऑडिट होना जरूरी है या नहीं, तो चिंता क्यों कर रहे हो। ये 31 जुलाई से पहले भी है, 30 सितंबर से भी पहले है, दोनों केस में 139(1) की डेट से पहले तो पे कर दिया, और पे कर दिया तो जिस ईयर का म्यूनिसिपल टैक्स होगा उसी ईयर में माइनस कर देंगे। 1819 का है तो 1819 में ही माइनस होना चाहिए। इसका मतलब जो 2,500 रुपए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अभी भी माइनस है उनका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, और क्योंकि वो माइनस होने चाहिए थे। ठीक है सर, तो सर एडजस्टमेंट तो हमारे सारे खत्म हो गए, ये तो हमें समझ में आ रहा है। तो अब देखते हैं हम डेबिट साइड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सर माइनस होनी चाहिए, माइनस की भी गई है। सर रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, सर आपने कहा था इसको ऐड कर देना, तो यहां ऐड कर दिया गया रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, और वो दे रखा है 6 लाख प्लस 9 लाख प्लस 55, 15 लाख 55,000। ठीक है सर। सर इसके बाद यहां पे दे रखा है इनकम टैक्स। सर आपने हमें सेक्शन 40 में बताया था इनकम टैक्स डिस अलाउ हो जाता है, इनकम टैक्स को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में माइनस नहीं करते हैं। तो अब पीजीबीपी भी पूरा आपका रिवाइज हो रहा है, अब आपको पीजीबीपी के प्रोविजंस भी अब दोबारा से करने पड़ रहे हैं। अब समझ में आया कि मैं पीजीबीपी और कैपिटल गेन पहले क्यों कराता हूं, जितने भी असेसमेंट करोगे उसमें आपका यूज होगा। आप कहते हो सर इंटर में हम करके आए थे, लेकिन देखो हमने किस लेवल का पीजीबीपी और कैपिटल गेन किया था। तो इनकम टैक्स जो 8,000 रुपए है उसको एड बैक कर दिया गया। अब सर आता है इंटरेस्ट टू पार्टनर्स एट द रेट ऑफ 13.5%। सर 12% से ज्यादा है। सर हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका सर जो हम गलत वाला है वो ऐड कर देते हैं पूरा ही इंटरेस्ट टू पार्टनर्स, और सर वो कितना हो जाएगा ऐड करने के बाद 40 + 10 = 50 + 60 = 1,10,000। और सर 12% वाला अलाउ कर देते हैं तो सर यहां पे लिखा इंटरेस्ट टू पार्टनर्स। सर एक्स को हम अलाउ कर देते हैं, सर एक्स का इंटरेस्ट था 40,000, तो सर ये 12/13.5। 13.5 के रेट से दिया गया था 12%, देखो 13 पॉइंट
कि 40,000, तो 12% के रेट से कैसे निकालेंगे? और सर वाई का कितना हो जाएगा? वाई को कितना दिया गया था? 10,000 इंटू 12/13.5 और जेड को 60,000, इसका हो जाएगा 12/13.5। क्या समझ में आया अच्छे तरीके से आपके लिए? आप चाहते तो आप ऊपर ही 1.5% एड बैक कर देते, एक्स का ऐड कर देते 40,000 इंटू 1.5/13.5। तो जो हमने 12% से ऊपर वाला था केवल वो ऐड किया, तो हमें दो स्टेप में नहीं करना पड़ता, लेकिन मैं आपको सिंपल तरीके से करके दिखा रहा हूं। पहले 13.5 वाला 110,000 रुपए मैंने पूरा ऐड कर दिया, उसके बाद मैंने जो 12% वाला है वो माइनस किया, जिसको हम बोलेंगे 40B के अकॉर्डिंग जो लिमिट है। तो एक्स का कितना निकल कर आएगा? 40,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 13.5 और ये 35.556। सर 10,000 वाला कितना निकल कर आएगा? ये निकल के आएगा 12 डिवाइड बाय 13.5 और ये निकल के आ गया बेटा 8889। और सर 60,000 वाला कितना निकल कर आएगा? ये निकल कर आएगा 12 डिवाइड बाय 13.5, ये देखो मैंने गलत कर दिया कुछ, 60,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 13.5 और आ गया 53,333। सर अब तो पूरा प्रॉफिट लॉस अकाउंट खत्म हो गया, सब कुछ टिक हो गया, बस इनकम साइड में देख लेते हैं। सर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर सर और दे रखा है, सर ये अदर सोर्सेस की इनकम है तो PGBP से इसको हटाना पड़ेगा, तो यहां माइनस कर दिया इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, और कितनी इनकम दे रखी है 60,000 रुपीज की, इस पे भी टिक कर देते हैं। पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जितने भी एडजस्टमेंट्स थे जो PGBP के थे और सेक्शन 40B के अकॉर्डिंग थे वो भी हमने कर दिए, बस रेमुनरेशन अभी और माइनस होना। रेमुनरेशन अभी कहां माइनस किया है? वो तो केवल एड बैक किया गया, तो पहले तो बुक प्रॉफिट निकालेंगे, तो पहले इनका टोटल करते हैं कितना निकल के आएगा। तो ये हो जाएगा 48,500 प्लस 2500 प्लस 1,55,000 प्लस 8,000 प्लस 8,000 प्लस 110,000 और ये आ गया 17,24,000 और इसमें ऐड कर दिया 32,000 और ये आ गया 17,56,000। सर बिल्कुल ठीक। अब सर इसको माइनस करेंगे तो पहले इनका टोटल कर लेते हैं, 2,922 प्लस 50,000 प्लस 35,556 प्लस 8889 प्लस 53,333 प्लस 60,000 और ये आ गया 2,10,700। सर अब इसको टैक्सेबल प्रॉफिट बोल दें, बहुत बड़ी गलती कर दोगे, पहले बुक प्रॉफिट, अभी एक आइटम माइनस करने से रह गया है। तो बुक प्रॉफिट कितना आ जाएगा? माइनस 17,56,000 और ये आ गया 15,45,300। अब सर यहां माइनस करेंगे रेमुनरेशन अंडर सेक्शन 40 क्लॉज बी। सर ये कैसे माइनस करेंगे? तो यहां निकालते हैं हम रेमुनरेशन कितना आएगा, क्योंकि बुक प्रॉफिट 3,00,000 रुपए से ज्यादा है, तो 2,70,000 रुपए, 3,00,000 रुपए तक के बुक प्रॉफिट पे 1,50,000 और 90% विच एवर इज हायर, तो हायर हो गया 270, ये तो होगा ही होगा। और 3,00,000 के ऊपर कितना है? 12,45,300 सर, इसका 60%,
इसका सर 60%, तो सर ये कितना हो जाएगा, 2,70,000 प्लस 12,45,300 का 60%, 12,45,300, और ये आ गया 7,47,180। इसमें ऐड कर देते हैं 2,70,000 और ये हो गया बेटा 10,70,180। और एच पर डीड, और डीड के हिसाब से कितना दे रखा था, 15 लाख, क्योंकि 55,000 तो हम क्या कर देंगे, एड बैक कर देंगे, जो किसका था, नॉन वर्किंग पार्टनर, जेड वाज नॉन वर्किंग पार्टनर, इसका तो अलाउ होना ही नहीं था। तो डीड के हिसाब से कितना था, 15 लाख, और निकल के आया 10,17,180, तो ये 15 लाख। इन दोनों में लोअर, तो लोअर कितना हो गया, 10,17,180। तो यहां अब हम माइनस कर देंगे 10,17,180, और अब इसको बोलेंगे पीजीपीपी की इनकम, और ये कितनी निकल के आ जाएगी बेटा, 15,45,300 माइनस 10,17,180, और ये हो गया 5,28,120। सर डेफिनेटली समझ में आया, सर हमने पीजीबीपी की इनकम निकालना सीख ली। लेकिन सर इस क्वेश्चन में पूछा गया है टैक्सेबल इनकम ऑफ द फर्म, हाँ तो बाकी इनकम को ऐड कर दो इसके अंदर। सर वो कैसा करेंगे, अब पहले हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकाल लेते हैं, तो जीएवी कितना हो जाएगा, सर जो रेंट दे रखा था पार्टनरशिप फर्म का, जिसको हमने माइनस किया था, वो था सर 50,000, 50,000 जीएवी बन जाएगा, इंटर में किया होगा। अब माइनस करते हैं म्यूनिसिपल टैक्सेस, क्योंकि आधा घर लेट आउट था और पूरे घर का म्यूनिसिपल टैक्स 5,000, तो 2,500 तो माइनस हो गया पीजीबीपी में, बैलेंस हाउस प्रॉपर्टी में माइनस करेंगे, लेकिन माइनस नहीं किया जाएगा। सर क्यों नहीं करोगे सर माइनस, सर ये तो गलत बात है, इसलिए माइनस नहीं करूंगा क्योंकि 10th में को पे किया गया, और हाउस प्रॉपर्टी के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग म्यूनिसिपल टैक्सेस तभी माइनस होगा जब टिल द एंड ऑफ रिलेवेंट प्रीवियस ईयर माइनस कर दिया जाएगा, मतलब 31 मार्च 2019 तक पे कर दिया जाता तो माइनस होता, पड़ाता पेमेंट बेसिस पे माइनस होगा। पीजीपीपी में भी पेमेंट बेसिस पे माइनस हो रहा है, लेकिन पीजीपीपी में पे करने की हम लास्ट डेट देखते हैं 43B के अकॉर्डिंग, लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, इसलिए पीजीपीपी में तो माइनस रह गया। हाउस प्रॉपर्टी में माइनस इसलिए नहीं होगा क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लास्ट डेट होती है 31 मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर, और उस डेट के बाद पे किया गया है, तो जिस ईयर में पे किया गया मतलब प्रीवियस ईयर 1920 में डिडक्शन क्लेम करेंगे, अभी नहीं कर पाओगे 1819 प्रीवियस ईयर में। तो एनएवी हो गया 50,000। सर स्टैंडर्ड डिडक्शन 24A में करते हैं सर 30% के रेट से 15,000। सर इंटरेस्ट तो दे ही नहीं रखा है हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में, तो सर हाउस प्रॉपर्टी की टैक्सेबल इनकम निकल कर आ गई, दैट इज सर 35,000। लेकिन सर इस क्वेश्चन में एक इनकम अभी और भी दे रखी है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, वो तो डायरेक्टली दे रखी है, उसको कंप्यूट कर देते हैं। तो टोटल इनकम कैसे निकालेंगे, पहले पीजीबीपी की इनकम लिख ली जो हमने निकाली थी 5,28,120, यहां हाउस प्रॉपर्टी की इनकम 35,000, और यहां लिख ली हमने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अदर सोर्सेस की इनकम, और सर वो कितनी दे रखी थी 60,000, इसको कहा जाएगा जीटीआई। तो सर जीटीआई कितनी हो जाएगी, इसमें ऐड कर देते हैं 35,000 और प्लस ऐड कर देते हैं 60,000, तो सर ये हो गई 6,23,120। अब सर यहां माइनस करते हैं डिडक्शंस, चैप्टर 6A में सर ना तो 80G दे रखा है, ना GGC डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, ना कोई 80IA टू 80IE वाली, तो सर टोटल इनकम भी यही हो जाएगी टोटल इनकम,
और ये पहला आंसर आ गया, जो टैक्सेबल इनकम निकलवाई गई वो आपकी कंप्यूट हो गई टैक्सेबल इनकम ऑफ द फर्म। लेकिन सर अभी इसका एक पार्ट और भी रहता है एंड वाला, टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ द पेमेंट्स टू पार्टनर्स इन देयर हैंड। अब इसको मैं टीच करूंगा तो आपके लिए पार्टनरशिप फर्म का कंसेप्ट पूरा हो जाएगा, और इसको मैं पहले यहां पर टीच करता हूं फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। पहले मैंने इतना पोर्शन करके दिखा दिया। अब हम बात करते हैं टैक्स ट्रीटमेंट इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर। तो पार्टनर्स को हमने सपोज एक्स वाई जेड पार्टनर्स लिख लिए, अज्यूम कर रहे हैं। तीन तरीके के अमाउंट पार्टनरशिप फर्म से मिलेंगे। एक तो फर्म से मिलेगा रेम्यूनरेशन, सर बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक सर। सर एक मिलेगा इंटरेस्ट फ्रॉम फर्म, सर बिल्कुल ठीक, कैपिटल और लोन पे आपके लिए इंटरेस्ट मिलेगा, हालांकि 12% या उससे कम वाला ही लेंगे, जो वहां माइनस हुआ होगा वो ही लेंगे। और लास्ट हो जाएगा शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ फर्म, और ये हो जाएगा एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(2)(a)। और ये सेक्शन याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है, एग्जाम में लिख के आना पड़ेगा। सर एग्जेम्प्ट क्यों है? क्योंकि इस पे तो ऑलरेडी आप टैक्स पे कर चुके हो। आप समझो, रेम्यूनरेशन तो फर्म की इनकम में से माइनस हो गया था, अब माइनस हो गया था तो इनकम रिड्यूस कर दी थी, फर्म ने टैक्स पे नहीं किया, आप टैक्स पे करो। इंटरेस्ट तो फर्म की इनकम में से माइनस किया गया, भले ही लिमिट में माइनस किया गया, फर्म की इनकम कम की गई तो आप टैक्स पे करो। लेकिन जो पार्टनरशिप फर्म के प्रॉफिट में शेयर है वो तो फर्म ने टैक्स पे करने के बाद आपको दिया, पहले फर्म ने टैक्स पे कर दिया उसके बाद आपको दिया, तो आपके हाथ में वो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। इसलिए इसको मैंने डैश 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 लगा दिया। अब मैं पूछता हूं पार्टनर्स के हाथ में ये किस सोर्स की इनकम बनेगी? तो स्टूडेंट्स बहुत डिफरेंट जवाब देते हैं, रेम्यूनरेशन सैलरी में जाएगा, इंटरेस्ट इनकम भी जाएगी अदर सोर्सेस के अंदर, शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ फर्म हालांकि सर एग्जेम्प्ट है लेकिन हेड ऑफ इनकम पीजीबीपी बना दिया जाएगा। मैं कहता हूं गलत। फर्म से पार्टनर्स को जो भी मिलेगा वो लिखा हुआ है साफ साफ सेक्शन 28 के अंदर, वो उनके हाथ में पीजीबीपी की इनकम बनेगी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। आपको वो रेम्यूनरेशन के नाम से मिल रहा है, आपको वो इंटरेस्ट के नाम से मिल रहा है, लेकिन अगर आप सोचो है तो वही प्रॉफिट जो अल्टीमेटली आपके हाथ में प्रॉफिट के नाम से आता। अगर आप रेम्यूनरेशन के तरीके से विड्रॉ नहीं करते, इंटरेस्ट के तरीके से विड्रॉ नहीं करते, तो अल्टीमेटली वो प्रॉफिट के नाम से आपके हाथ में आता। बस टैक्स के आपने थोड़ा बचाने के लिए उसको रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट के नाम से ले लिया। इसलिए चाहे आप रेम्यूनरेशन के नाम से लो चाहे इंटरेस्ट के नाम से लो, आपके हाथ में जो हेड ऑफ इनकम बनेगी इस इनकम की वो होगी प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। सर ये बात भी लॉजिकल है। तो अब इस क्वेश्चन में हम देखते हैं पार्टनर्स के हाथ में क्या ट्रीटमेंट होगा। तो मैंने यहां पे लिखा, यहां तो लाइन ड्रॉ कर दें, अब पेन ले, ये यहां लिखा मैंने एक्स, यहां लिखा वाई, यहां लिखा जेड। सर एक तो मिला रेम्यूनरेशन। सर अब रेम्यूनरेशन जो एक्स को एक्चुअली में मिला था वो था सर 6 लाख, वाई को 9 लाख, जेड का तो डिसअलाउ होगा ही होगा, तो जेड पे तो सर पहले डैश लगा देते हैं। लेकिन सर एक्स को आप कितना माइनस करेंगे, क्योंकि हमने 15,55,000 तो ऐड बैक कर दिया, और जो सर हमने जो माइनस किया वो केवल कितना किया, वो हमने किया 10,17,180। जो फर्म में माइनस हुआ वही तो पार्टनर्स के हाथ में टैक्सेबल होना चाहिए। सर बात ठीक है, तो अब हम एक्स के हाथ में कितना टैक्सेबल होगा वो निकालेंगे, और वो कैसे निकालेंगे,
10,17,180 इंटू जो पुराना रेमुनरेशन होगा उसी रेशियो में नया रेमुनरेशन दे देंगे। पुराना रेमुनरेशन था 6:9 मतलब 2:3 जो एक्स और वाई को मिल रहा है वो 6,09,000 मिल रहा है तो ये 2:3 का रेशियो हो गया तो 2:3 के रेशियो में दे देंगे तो 2/5 और y का कितना हो जाएगा 10,70,180 इंटू 3/5 और z का तो इग्नोर कर दिया जाएगा। सर बिल्कुल ठीक एग्जैक्टली समझ में आया 17,180 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5 और ये हो गया x को जो मिलेगा 4,06,872 और सर जो y को मिलेगा इस 10,17,180 माइनस कर दिया और ये आ गया सर 6,10,308 एक्स का हो गया वाई का हो गया रेमुनरेशन। सर इंटरेस्ट तो जेड को भी दोगे हाँ वो वर्किंग नॉट वर्किंग से फर्क नहीं पड़ेगा। सर एक्चुअली में जो उन्हें दिया गया था वो था 40, 10 और 60 लेकिन यहां जो माइनस किया गया है जो फॉर्म में माइनस हुआ वही तो टैक्सेबल होना चाहिए तो एक्स के हाथ में टैक्सेबल होगा 35,556 Y के हाथ में होगा 888 वाला और Z के हाथ में टैक्सेबल होगा 53,333 और सर फिर हमें मिलेगा शेयर और वो शेयर में सर डैश लगा देंगे और लिख देंगे एग्जेम्प्ट और किस सेक्शन में एग्जेम्प्ट हो जाएगा 10(2)A और इन तीनों को हम ऐड कर देंगे तो आ जाएगी इंडिविजुअल्स की पीजीबीपी की इनकम। हाँ इनकी अगर कोई और डिफरेंट सोर्स से इनकम दे रखी है फर्म के अलावा वो इसके अंदर ऐड करते हुए चलो तो एक्स वाई जेड की आपकी जीटीआई निकल कर आ जाएगी फिर एक्स वाई जेड के अपने इंडिविजुअल डिडक्शंस माइनस करना तो उनकी इनकम निकल के आ जाएगी फिर टैक्स निकाल देना। लेकिन फर्म से जो मिला उन तीनों का ट्रीटमेंट क्या हो गया तो एक्स की इनकम कितनी हो गई 406,872 प्लस 35,556 और ये हो गई बेटा 4,42,428। सर y की इनकम कितनी हो गई 610,308 प्लस कर देंगे 888 और कितनी आ जाएगी बेटा 619,197 और सर z की तो हमें पता ही है 53,333 और ये कंप्लीट क्वेश्चन मैंने आपको पार्टनरशिप फर्म का सॉल्व करके दिखा दिया। क्या समझ में आया आपके लिए तो इस क्वेश्चन को पहले आप समझो मैं अभी दूसरा क्वेश्चन भी आपके लिए करवाऊंगा देखो ये दे रखा है लेकिन इसको करवाने से पहले मैं ये चाहता हूं कि ये क्वेश्चन एक बार आप अपने हाथ से भी सॉल्व करो। अभी आपने देख लिया अब पॉज कर दो आपकी बुक में ये क्वेश्चन दे रखा है दोबारा सॉल्व करो कि हम एग्जैक्टली हर लॉजिक को समझ के कर पा रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन वन तो मैंने करवा दिया था अब टाइम आ गया है कि हम क्वेश्चन टू करें लेकिन क्वेश्चन टू करने के लिए पहले पढ़ लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एक्स वाई कंपनी ए फर्म ऑफ एक्स एंड वाई ए फर्म ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स विच सेटिस्फाइज ऑल द कंडीशंस ऑफ 184 एंड 40 क्लॉज बी। अब इसका मतलब ही हो गया जो पार्टनर्स के लिए रेमुनरेशन और इंटरेस्ट है वो अलाउ किया जाएगा क्योंकि 184 और 40 क्लॉज बी की सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है। ठीक है सर अच्छे तरीके से समझ में आ गया। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 एज फॉलोज क्या हो गया रिसीट फ्रॉम द क्लाइंट्स 10,13,000 ऑफिस एक्सपेंसेस सैलरी टू एम्प्लॉयज सैलरी टू पार्टनर्स इनकम टैक्स इंटरेस्ट टू पार्टनर्स और नेट प्रॉफिट है 1,06,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन आउट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफिस एक्सपेंसेस जो कितने दे रखे हैं 2,10,000 18,800 इज नॉट डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 36-37 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 18-19 द फर्म अर्न्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ ₹5,64,135 पर्सनल इनकम एंड इन्वेस्टमेंट्स ऑफ द पार्टनर्स आर एज फॉलोज इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंक इंटरेस्ट दे रखा है आपके लिए 6,00,000 और 1,02,000 डिपॉजिट इन पीपीएफ दे रखा है और मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम दे रखा है आपके लिए। ठीक है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम दे रखा है 12,000-11,000 कंप्यूट टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द फर्म एंड पार्टनर्स
तो ये क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं, इससे आपके सब कुछ कंप्लीट पार्टनरशिप फर्म का समझ में आ जाएगा। तो पहले तो फर्म को करते हैं, पार्टनर्स को इग्नोर कर देते हैं। तो नेट प्रॉफिट एच पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और वो दे रखा है 1,06,000। एडजस्टमेंट 18,800, तो एक्सपेंसेस नॉट डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 36-37। ये 18,800 दे रखे हैं, माइनस नहीं होने चाहिए थे, माइनस कर रखे तो एड बैक कर देंगे। 18-19 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो दिखाया नहीं गया, आना भी नहीं चाहिए क्योंकि कैपिटल गेन की इनकम है, तो बहुत अच्छी बात है, इसको अभी छोड़ देते हैं। पर्सनल इनकम, ये तो इंडिविजुअल्स की अपनी इनकम है, इसको बाद में देखेंगे। इसके बाद आते हैं हम लोग डेबिट साइड में, ऑफिस एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट हो गया। सैलरी टू एम्प्लॉइज, सर इसको ऐड कर दीजिए सर, नहीं सॉरी वो तो पार्टनर्स को ऐड किया जाएगा, हम रियली सॉरी, सैलरी टू एम्प्लॉइज तो माइनस होनी ही चाहिए। सैलरी टू पार्टनर्स ऐड बैक कर देंगे क्योंकि ये सेक्शन 40 क्लॉज बी के लिमिट से ज्यादा माइनस नहीं होगा, तो सैलरी टू पार्टनर्स। तो 2,50,000 और 3,00,000-5,50,000, सर बिल्कुल ठीक। इसके बाद बेटा इस पर टिक कर दिया, इनकम टैक्स सर सेक्शन 40 के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स डिस अलाउ कर दिया जाता है, सर इनकम टैक्स नहीं माइनस होना चाहिए, आपने पढ़ाया था, तो सर 42,000 को ऐड बैक कर देंगे। आगे चलते हैं, इंटरेस्ट टू पार्टनर्स सर 24% से माइनस कर रखा है, सर हमारे पास दो तरीके हैं, 24% से ऐड करके 12% को माइनस कर दें, लेकिन सर यहां चलो शॉर्टकट लगाते हैं, 12% को ही डिसअलाउ कर देते हैं। तो मैंने लिखा इंटरेस्ट टू पार्टनर्स, यहां लिखा एक्स और यहां लिखा वाई। एक्स का 16,024% से था तो 12% डिसअलाउ करना है, हो गया 8,000। वाई का टोटल था आपके लिए 19,000 और 12% मतलब आधा डिसअलाउ करना है, तो हो गया 9,500। इज डेट क्लियर? 16 का आधा 8, 19,000 का 9,500, इसको डिसअलाउ कर दिया और सारे एडजस्टमेंट्स हो गए। इनकम साइड में कोई माइनस ही नहीं करना है क्योंकि केवल पीजीबीपी की इनकम है, तो ये आपकी फर्म की इनकम निकल के आ गई, इसको ऐड कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा ये 18,800 प्लस 5,50,000 प्लस 42,000 प्लस 8,000 प्लस 9,500 और ये हो गया बेटा 6,28,300। अब यहां पे जो होगा इसको बोला जाएगा बुक प्रॉफिट, क्योंकि अभी इसमें से हमें माइनस करना है रेमुनरेशन और इसमें हम ऐड कर देते हैं 1,06,000, तो ये हो जाएगा 7,34,300। अब यहां हमने केवल एक आइटम माइनस करना है रेम्यूनरेशन, और किस सेक्शन में 40 क्लॉज बी की जो लिमिट्स हैं उसके हिसाब से। सर यही निकाल लें? हाँ बिल्कुल यही निकाल लेते हैं हम लोग। तो सर कितना निकल के आएगा, देखो 2,90,000 तो हो ही जाएगा, 3,00,000 का 90% 2,70,000 प्लस, अब हम देखते हैं 3,00,000 के ऊपर वो कितना था 4,34,300, इसका 60%। क्या सबको समझ में आया? 3,00,000 का 90% 2,70,000 और 150 विच एवर इज मोर 2,70,000, और 3,00,000 के ऊपर था 4,34,300 उसका 60%, तो ये निकाल लेते हैं 4,34,300 इंटू 0.6 60%, तो ये और इसमें हम ऐड कर देते हैं 2,70,000, तो ये आपके लिए बेटा आ गया 5,30,580 और एच पर डीड, और डीड के हिसाब से कितना था 5,50,000 विच एवर इज लोअर। तो रेमुनरेशन कितना माइनस कर दिया जाएगा, वो हो जाएगा
5,30,580. तो अब ये माइनस करने के बाद ये हो जाएगा प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस पीजीबीपी हेड में, और कितना आ जाएगा बेटा, और ये आ गया 2,03,720. अब इसी को आगे बढ़ा देते हैं, फर्म की लॉन्ग टर्म कैपिटल की इनकी इनकम और दे रखी है, और वो दे रखी है 564135, इसको कहा जाएगा जीटीआई। तो 203720 में ऐड कर देंगे 564135 और ये आ जाएगा 7,67,855। डिडक्शंस क्वेश्चन में कोई भी नहीं दे रखी है, डिडक्शंस इसको निल कर देंगे, और जो टैक्सेबल इनकम है या जिसको टोटल इनकम कहा जाता है वो हो जाएगी 7,67,855 = 6,70,860। और मैंने कई बार बताया इसको कहा जाता है राउंडेड ऑफ अंडर सेक्शन 288A। अगर 5 या उससे ज्यादा होता है तो नेक्स्ट 10 रुपीज में राउंड ऑफ कर देते हैं। सर फर्म की टैक्स लायबिलिटी निकाल लें, यस, तो टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल की सेक्शन याद होना चाहिए, 112 में रेट दे रखा है, और फिर बैलेंस इनकम। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आएगा, टोटल इनकम में से जब हम बैलेंस इनकम को लॉन्ग टर्म को बाहर निकालेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 5,64,135, और सर इसका 20%, तो 564135 का 20%, और ये आ गया बेटा 1,12,827। सर बैलेंस इनकम पे सर लगाएंगे 30% के रेट से, तो सर बैलेंस इनकम कितनी हो जाएगी, बैलेंस इनकम सर हो जाएगी टोटल जो इनकम है 767860, इसमें से माइनस कर दिया जाएगा 564135, और ये हो जाएगी 2,03,725। वैसे तो देखो 703720 थी, लेकिन 5 रुपए क्यों बढ़ गई, क्योंकि राउंड ऑफ किया था, और इसका 30%, और इसका 30% आ गया बेटा 61,118। इसको ऐड कर देते हैं 112827, और ये हो गया 1,73,945, और इसमें बेटा ऐड कर देना हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, एट द रेट ऑफ 4%, और ये आपकी पी टोट टैक्स लायबिलिटी निकल कर आ जाएगी पार्टनरशिप फर्म की, इसके आगे का काम खुद करना। सर बिल्कुल समझ में आ गया सर जो आपने टीच किया। अब अगर ये समझ में आ गया तो अब करते हैं पार्टनर्स के हाथ में टोटल इनकम पार्टनर्स की निकालते हैं। अब दो पार्टनर्स थे एक्स एंड वाई और दोनों वर्किंग हैं, तो पहले तो लिखते हैं रेमुनरेशन फ्रॉम द फर्म। अब रेमुनरेशन एक्चुअली में तो 550 था, लेकिन माइनस किया गया था 53580, तो अब जो माइनस किया गया वही टैक्सेबल होगा, तो एक्स का शेयर कितना हो जाएगा 53580 इंटू, अब हम देख लेते हैं इनका रेशो कितना था, ये हो गया 25:30, तो 5:6 हो गया। हाँ सर 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5:6 हो जाएगा आपके लिए रेशो, तो हम कर देंगे 5/11, 5 क्योंकि किसका था एक्स का था, और उसका हो जाएगा 6/2। हाँ सर इतनी मैथमेटिक्स तो समझ में आती है सर, इस पे आप टाइम ज्यादा खर्च मत करो। तो सर एक्स का रेमुनरेशन पहले निकाल लेते हैं 5,30,580 × 5/11, और सर ये निकल के आ गया जो एक्स का था 2,41,173, और 5,30
580 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 11 और ये आ गया 289,407। अब सर इंटरेस्ट लिख लेते हैं फ्रॉम द फर्म। सर एक्स और वाई, सर जो डिसअलाउ किया गया 12%, तो जो अलाउड रह गया वो यहां माइनस होगा। सर एक्स का 8000 और 8 16 था, 8 डिसअलाउ कर दिया, तो 8 जो अलाउ रह गया वो वाई एक्स के हाथ में टैक्सेबल होगा। वाई का 19,000 और 9,500 डिसअलाउ कर दिया, तो अलाउ कितना रह गया था फर्म में 9,500, जो वहां माइनस होगा वो यहीं टैक्सेबल होगा। और फिर लिखा शेयर इन प्रॉफिट और वो यहां लिख दिया एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(2)(a) और ये लिखना सेक्शन बहुत जरूरी है, मैंने पहले भी बोला, ये डैश लगा दिया। तो अब जो इनकी बिजनेस की इनकम थी वो कितना निकल के आ गया, पीजीबीपी की इनकम कितनी निकल कर आ गई, क्योंकि मैंने बताया था ये पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगा, तो 249,173 और ये हो जाएगा 907, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 298,907। फर्म से जो शेयर मिला वो हमने निकाल दिया। अब इनकी अपनी और भी इनकम दे रखी है, जैसे इंटरेस्ट इनकम ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो एक्स का दे रखा है 470,000 और वाई का दे रखा है बेटा यहां पे 423,000। इसका फर्म से कोई रिलेशन नहीं है, अदर सोर्सेस की इनकम है। सेविंग बैंक पे आपके लिए बैंक इंटरेस्ट दे रखा है ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, तो इसको दे रखा है 6,00,000 रुपए का मिला और यहां मिला 1,02,000 रुपए का। सर ठीक है, सर जीटीआई निकाल देते हैं सर इनकी, तो सर एक्स की जीटीआई कितनी आ जाएगी, 249,173 प्लस 470,000 प्लस 6,00,000 और ये आ गया बेटा 13,19,173 और सर ये निकाल लेते हैं 298,907 प्लस 423 प्लस 102 और ये आ गया बेटा 8,23,907। सर डिडक्शंस माइनस करेंगे, हाँ क्वेश्चंस पेपर में दे रखी हैं डिडक्शंस, तो कौन कौन सी माइनस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन, सबसे पहले करते हैं पीपीएफ, हाँ सर 80C में 1,50,000 रुपए तक की लिमिट है, उसने कॉन्ट्रीब्यूट सर 70 ही किया और यहां किया 45। सर 80D मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी पे करते हो प्रीमियम, तो सर 25,000 रुपए लिमिट है, 12,000 और 11,000 और सर इसके बाद 80TTA में और करेंगे, क्योंकि सर अगर सेविंग बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट मिलता है तो वो 10,000 तक माइनस हो जाता है और दोनों को मिला, इसलिए दोनों का 10,000 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वाला नहीं, जो सेविंग बैंक से इंटरेस्ट मिला उसमें से डिडक्शन मिलता है। तो इनकी अब टोटल इनकम कितनी निकल के आ जाएगी और ये सारी डिडक्शन आपको इंटर में अच्छे तरीके से पढ़ाई गई थी और आपको ये सारी पता होनी चाहिए, अदरवाइज आप रिवाइज कीजिए इसके लिए। तो 1319173 माइनस कर दिया 70,000 बेटा, माइनस 12 और 10 22 हमने माइनस कर दिया, तो ये आ गया 1,27,173 और राउंड ऑफ कर देंगे 1,27,170। सर वाई की इनकम भी निकाल लेते हैं 823,907 प्लस 40 प्लस क्यों करेंगे माइनस करेंगे 823,907 माइनस 45,000 माइनस 21,000 और ये आ गया 7,00,000 57,907 और राउंड ऑफ कर देंगे 7,57,910। हाँ जी सर, अब सर इसका टैक्स निकालना सिखा दो, वो मैं नहीं निकालूंगा, वो खुद निकालो।
ना तो इसके अंदर लॉन्ग टर्म है, ना शॉर्ट टर्म ट्रिपल वन ए है, ना कैजुअल इनकम है, इस पे तो केवल सीधे बेटा स्लैब लगना है। स्लैब लगा देना, सरचार्ज होगा नहीं क्योंकि इनकम 50 लाख से कम दे रखी है। रिबेट का भी सवाल नहीं है क्योंकि इनकम रिबेट वाली लिमिट से भी ज्यादा है। जो भी टैक्स निकल के आए सीधे ऐड कर देना 4% के रेट से हेल्थ एंड एजुकेशन सेस और आपकी टैक्स लायबिलिटी निकल के आ जाएगी। तो मैंने 184 टीच किया, 185 टीच किया, 40 क्लॉज बी टीच किया, सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 ए टीच किया और सर्कुलर टीच किया। इसकी हेल्प से हमने क्वेश्चंस करे जो मैंने लास्ट क्लास में आपको लॉजिक दिया था और लास्ट क्लास में भी क्वेश्चन करके दिखाया, ये भी खुद किया। अब दो क्वेश्चन मैंने और दे रखे हैं आपके लिए, एक तो क्वेश्चन 3 एक क्वेश्चन 4, ये आप खुद करके मुझे भेजोगे आंसर। मैंने आंसर जानबूझ के नहीं दिए हैं, ये आंसर दे रखे होते हैं तो आप किसी भी तरीके से मैच कर लोगे और आप मन में ये मान लोगे हमने ठीक किया है। आप अपना आंसर मुझे सॉल्व करके भेजो, मैं चेक करूंगा कि वो आपने आंसर जो निकाला वो ठीक है या गलत और मैं आपके लिए जवाब दूंगा। लेकिन सर थर्ड क्वेश्चन में फर्म नहीं दे रखा है, एलएलपी दे रखा है। फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी फर्म और एलएलपी में जरा भी डिफरेंस नहीं है, 100% प्रोविजन आर सेम, 100%। जहां तक कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी की बात है 100%, बस पूरे इनकम टैक्स में दो तीन जगह फर्म लिखा है तो वहां एलएलपी नहीं लिखा हुआ है, या एलएलपी का खास प्रोविजन है और फर्म का नहीं है। अदरवाइज कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी की बात करें देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। तो फर्म है चाहे लिमिटेड लायबिलिटी फर्म है, क्वेश्चन सेम तरीके से सॉल्व किया जाएगा। तो नाउ दिस इज योर होमवर्क, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 को मुझे सॉल्व करके भेजोगे। नेक्स्ट वीडियो में अब मैं और किसी नए एसएससी का असेसमेंट टीच करूंगा, जैसे फर्म का हो गया हम किसी और पर्सन का असेसमेंट सीखेंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट है नीचे लिखा है ईमेल आईडी imsb003@gmail.com जरूर भेजिए। Thank you very much.